हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल MGR ऑफिशियल पे। तो आज भी बाहर हो रही है बारिश, बाहर बारिश हो रही है दोस्तों। ये है 130 पेटी का लॉट जो कि जयपुर के लिए लोड होना था, तो बारिश के कारण लोड ही नहीं कर पा रहे हम। कल भरी हुई है दोस्तों ये पेटियाँ, परसों की भरी हुई है पेटी, तो कल भी बारिश से लोड नहीं हो पाई। और ये आज सोल्ड आउट हो गया जयपुर के लिए, तो आज फिर बारिश होगी जब लोड करना था। तो दोस्तों ये है मशीन, ऊपर भी खाली पेटियों का स्टॉक है पड़ा हुआ, तो बारिश रुकेंगी तो लोड करेंगे। क्या करना दोस्तों, बारिश लग रही है। तो दोस्तों गाड़ी लोड करके हमने भेज दी है, तो दो पिकअप की दोस्तों लोड और भेज दी। तो अब जा रहा हूँ मैं घर, रूम जा रहा हूँ दोस्तों अब मैं। तो आपको थोड़ा व्यू दिखाते दिखाते जाऊँगा। देखो ये है पार्ली तरफ का व्यू। तो आज भी बारिश तो लग गई थी थोड़ी देर, बहुत तेज हुई, बाद में फिर रुक गई थी। तो दोस्तों पार का व्यू देखा आप लोग, तो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। तो मैं भी थोड़ी देर पहले आया ऊपर से, तो जा रहा हूँ अभी दरी रोड की तरफ घूमने, पर को जुबलगंज की तरफ जा रहा हूँ मैं घूमने। यार जो आपने पहले क्लिप पे देखा कि गाय छोड़ी है बीच रोड में, ठीक है जी, गाय बीच रोड में घूम रही है, तो लोगों ने छोड़ दिया ऐसे ही। अब जब पाला जाता नहीं है तो पता नहीं क्यों रखते, पहले बाद में ऐसे छोड़ देते। तो क्या बोले यार, अभी रोड में खड़ी है, कहीं उसको लग कोई गाड़ी वाला ठोक दे तो गाय को भी नुकसान तो गाड़ी वाले को भी नुकसान है यार। क्या बोलना, बीच रोड में छोड़ दिया, पहले पाल लिया अब बाद में छोड़ दिया बीच रोड में। अगर छोड़ना ही था कहीं गौशाला में छोड़ देते कहीं, तो ऐसे बीच रोड में तो मत छोड़ो यार दोस्तों। हमारे नेपाल में देखना आपने तो गाय, आप लोगों को फूकी गाय एक भी नहीं दिखेंगी। तो अरे क्या करना यार, इधर गाय पाल लेते जो बैल है उसको छोड़ देते फिर हर कहीं बीच रोड में। क्या बोलना यार दोस्तों, तो कुछ बोल ही नहीं सकते यार। अब बोलेंगे भी किसको बोलेंगे यार कि गाय छोड़ दी बोल के। तो ये देखो आप आगे, ये है ITI गेट। तो जिस दिन टाइम होगा आपको ऊपर ITI जाके दिखाएंगे। तो ये है ITI गेट ऊपर, यहाँ से ऊपर को जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ जुबलगंज। तो ये देखो आगे जो है ट्रक खड़ी है ना, ये भी हमारे एक यूट्यूबर भाई का, भाई का लोगो क्या यूट्यूब का नाम लिखा हुआ है इसमें, भाई जी का नाम लिखा हुआ है इसमें यूट्यूब का नाम। तो HV12 और GT रोड लाइट, अगर आप लोग ट्रक लाइट वीडियो देखना चाहते तो उसको वहाँ वो क्या बोलते यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना उनके चैनल को। तो यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है HV12 वाली GT रोड लाइट, देखो यहाँ, ये देखो HV12 वाली GT रोड लाइट। तो वो ट्रक की वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग ट्रक की वीडियो पसंद करते तो
जाके देखना दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ जुब्बलगंजी। मैं जाऊंगा थोड़े से आगे रोड, आठ कुटी वाले रोड पे जाऊंगा मैं आगे को। तो ये वाला यहाँ से जाता है जुब्बल को, और जहाँ से मैं आया वो शिमला वाला, ये है रोड आठ कुटी वाला जिधर को मैं जा रहा हूँ। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जुब्बलगंज पे। तो देख रहे होंगे आप लोग ये पार, ये वाला हरि मंदिर का एरिया है। तो मैं अभी यहीं पे खड़ा हूं, मैं पार की वीडियो शूट कर रहा हूं। ये देखो फॉग लग गया इधर को, आज भी बारिश रुक गई थोड़ी देर। तो ये पार मगावटा है, काइना दिख रहा है, मगावटा भी नहीं दिख रहा है, यहाँ से काइना दिख रहा है। यहाँ से जा रही है सेब की गाड़ियाँ मंडी के लिए बहुत सारी। देखो ये ट्रक जा रहा है एक पार्क। तो देखो दोस्तों आगे एक फायर स्टेशन भी है जुब्बल का। तो जुब्बल वाला का फायर स्टेशन यहाँ है दोस्तों जुब्बलगंज पे। और यहाँ बस लगी हुई, ये मैरिज हॉल, ये देखो ये मैरिज हॉल। ऊपर को देखो आप जालियाँ लगी है पेड़ों पे, तो कितनी बढ़िया लग रही है। और जो ऊपर को जा रहा है रोड, ये जा रहा है धार को। तो यार फॉग देखो आप, फॉग, तो व्यू देखो आप, जालियाँ लगी है तो कितनी प्यारी लग रही है। इस सेब के पेड़ों पर लगाई जाती है ओले से बचाने के लिए, जब इस पे है ना, जब सेब तैयार हो रहे होते तब लगाई जाती है ओले से बचाने के लिए। तो यहाँ भी एक मशीन लगी है इस पे आगे, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा शायद। तो यहाँ सड़ी हुई से फेंकी हुई, ये है मैरिज हॉल, ये देखो पार्क, ये घर। तो आगे को मैं नहीं जाऊँगा, आगे को जाके भी क्या करना। तो ठीक है यार दोस्तों, मैं आया था यहीं जुब्बलगंज तक। तो बताना कमेंट में कि आपको इस सेब के बगीचे का नज़ारा कैसा लगा ये फॉग वाला। तो मैं जा रहा हूँ अब वापस। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, आगे शेयर भी कर देना। तो ये देखो आप नज़ारा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।